हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडी। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। वी आर स्टडिंग लेसन नंबर 3, डिस्कवरिंग टट। इन लास्ट वीडियो यू वर टॉट सम पार्ट ऑफ दिस लेसन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लास्ट पैराग्राफ और 25 पेज। नाउ लेट्स स्टार्ट। अ मैन हु हैड 3 टट्स फादर और ग्रैंड फादर वॉज अ पावरफुल फ्रा हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. Fra means king. राइटर कहता है कि अमेनहोटेप 3 में टट के पिता हों या दादाजी में एक शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने 18वें राजवंश के सुनहरे युग में लगभग 40 वर्षों तक मिस्र पर राज किया था। His son अमेनहोटेप 4th succeeded him. Succeeded means heir. हेयर उत्तराधिकारी। उसके बाद उनके लड़के अमेनहोटेप होप उनके उत्तराधिकारी बने एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट। इनिशिएटेड मीन्स स्टार्ट किया। और उसने अमेनहोटेप 4th ने प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र कालों में से एक काल को शुरू किया था। द न्यू फ्रा प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन द सन डिस्क। न्यू राजा ने अटेन की पूजा और सूर्य की परिक्रमा को बढ़ावा दिया था। चेंज्ड हिज नेम टू अकेंटन और सर्वेंट ऑफ द अटेन। और नए राजा ने अपना नाम बदलकर अकेंटन या सर्वेंट ऑफ द अटेन कर लिया था। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थीबेज टू द न्यू सिटी ऑफ द अकेंटन। और उसने अपने राजधानी पुराना नगर थीबेज का जो पुराना नगर था जिसको धार्मिक राजधानी कहते थे उससे बदलकर अकेंटन के नए शहर में कर ली थी। नॉन नाव एज अमरना। अब वह जो शहर था वह अमरना के नाम से जाना गया था। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून अ मेजर गॉड। मेजर गॉड राइटर कहता है कि अकेंटन ने एक बड़े भगवान अमुन पर आक्रमण करके देश को आश्चर्यचकित कर दिया था। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। उसकी मूर्तियों को तोड़ देते और उसके जो मंदिर थे उनको बंद कर दिया था। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम सेड द राज जॉनसन द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर द साइट ऑफ द एंशियंट थीबेज। और राइटर कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर में जो द साइट ऑफ द एंशियंट थीबेज प्राचीन थीबेज का जो दृश्य था लग्जर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के निदेशक राय जॉनसन कहते हैं कि यह सबसे भयानक समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वॉज कमिंग टू एन एंड। वह परिवार जिसने शताब्दियों तक मिस्र पर राज किया था वे उसका अंत हो रहा था। एंड देन अकेंटन वेंट अ लिटिल वेकी। वेकी मीन्स क्रेजी। राइटर कहता है कि फिर भी अकेंटन थोड़ा क्रेजी हो गया था, पागल हो गया था। आफ्टर अकेंटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमें खेरे अपीयर्ड ब्रीफली। राइटर कहते हैं अकेंटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक नेम इसमें खेरी वह कुछ समय के लिए प्रकट हुआ। एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस और मुश्किल से ही वह अपनी पहचान बना पाया। एंड देन अ वेरी यंग टटन खातेन टुक द थ्रोन। और फिर बहुत कम उम्र के टटन खातेन ने गद्दी संभाली। किंग टूट एज ही वाइडली नोन टूडे जैसा कि आज पूरी दुनिया में उसको टूट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटन खामून। जल्दी ही बालक राजा ने अपना नाम टूटन खामून में बदल दिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून जिसका मतलब होता है कि अमून की जीवित प्रतिछाया। एंड ओवरसा अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। रेस्टोरेशन मीन्स रिकवरी। और जो पुराने प्रथा थी पुराने परंपरा थी उनको पुनर्स्थापित कर दिया। ही रेनड फॉर अबाउट 9 ईयर्स। उसने मिस्र पर लगभग 9 साल तक राज किया।
एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर बिना आशा के ही, जिसकी कोई आशा नहीं कर सकता, तभी वह मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेट, टूट इज वन ऑफ ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। वो कहते हैं कि उसकी प्रसिद्धि और उसके भाग्य के चिंतन के विषय में न सोचते हुए टूट फिर भी मिस्र में बहुत सी मम्मियों में से एक मम्मी थी। हाउ मैनी, कितनी मम्मी में से एक थी। हाउ मैनी, कितनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार। राइटर कह रहे हैं कि इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जिसने अंतिम 2003 में मम्मियों की रिकॉर्ड, मम्मियों का आविष्कार कर, मतलब मम्मियों की खोज करनी शुरू की और लगभग अब तक 600 मम्मियों की खोज कर दी थी। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी मैं मम्मियों की खोज कर रहे थे, उनमें से एक थी वह मम्मी टूट गया। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरिंग। अगला चरण जो है था वह एक सीटी मशीन जिसको नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी और सीमेंस जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उनके द्वारा दान की गई, जो इन कंपनी के द्वारा दान की गई थी, से टूटकर सीटी स्कैन करना था। इट मीन्स राइटर कहते हैं कि अगला चरण उस सीटी मशीन से टटके स्कैन करना था जिसको नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी और सीमेंस जो उसके मैन्युफैक्चर कंपनी थी के द्वारा दान दी गई थी। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैनड। कह रहा है कि राजा टट जो सीटी स्कैन की जा रही थी ममी का, उनमें प्रथम था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगाली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन। वो कहते हैं कि वह मृत्यु में भी अपने देशवासियों के हृदय में शाही रूप से पहले था, जैसे कि वह जीवन में था। इट मीन्स राइटर कहते हैं कि राजा टूटकर जो मिस्र में मम्मी मिली थी उनमें सबसे पहले सीटी स्कैन किया जा रहा था, वह मृत्यु में भी पहले था, जैसे कि वह अपने देशवासियों के हृदय में शाही रूप से जीते जी पहले था।